हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं शेखर, आ गया हूं एक और नई वीडियो लेकर। दोस्तों, आज है 5 नवंबर और UK 888 की तरफ से दोस्तों दो महत्वपूर्ण सूचना यहां पर आई हुई है। तो सबसे पहले दोस्तों देख लेते हैं यहां पर स्नातक स्तरीय भर्ती परीक्षा को लेकर। जैसा कि आप सभी को पता है कि पिछले साल 31 दिसंबर 2023 को इसके लिए परीक्षा हुई थी, और इसमें दोस्तों प्रांतीय रक्षक दल अधिकारी के भी पद थे। इसके लिए फिजिकल जो है फरवरी में चला था, पिछले साल सॉरी इसी साल 2024 में फरवरी में दोस्तों फिजिकल चला था। और यहाँ पर देखिए दोस्तों, फिर जो है लिखित परीक्षा टंकण यानी कि टाइपिंग हुई, शारीरिक मापजोक इसके लिए प्रांतीय रक्षक दल के लिए। और उसके बाद यहाँ पर सूची है कि स्नातक स्तरीय पदों के अंतर्गत अनाथ श्रेणी के रिक्त 7 पद के सापेक्ष अभ्यर्थी उपलब्ध न होने के कारण, इतने अभ्यर्थी नहीं मिले हैं अनाथ श्रेणी में, परिवर्तित करते हुए चयनित अभ्यर्थियों की औपबंधिक श्रेष्ठता सूची जारी की गई है। क्योंकि इतने पद उनके लिए थे तो उतने यहाँ पर अभ्यर्थी नहीं मिले हैं, तो श्रेष्ठता सूची हम शारीरिक मापजोक दक्षता के आधार पर 28 अक्टूबर 2024 को जारी औपबंधिक श्रेष्ठता सूची में 5 अभ्यर्थी की विभागवार दी गई वरीयता के आधार पर श्रेष्ठता क्रम में चयनित अभ्यर्थियों की औपबंधिक श्रेष्ठता सूची संशोधित की गई है, जिसमें कतिपय अभ्यर्थियों के पूर्व आवंटित विभाग परिवर्तित हुए हैं। तो 12 अभ्यर्थियों का दोस्तों नाम यहां पर फिर से आया है, ये आप देख सकते हैं। आज ही दोस्तों जारी किया, ये देखिए पहले नंबर पर ये देखिए हिमांशु परिहार, इनको जिला पंचायती राज BPDO मिला है। बाकी आप ये पूरा देख सकते हैं। और इतने अभ्यर्थी जो हैं यहाँ पर, जो 5 अभ्यर्थी दोस्तों जो ये हैं यहाँ पर प्रांतीय रक्षक दल अधिकारी में, और ये यहाँ पर जो है प्रांतीय रक्षक दल अधिकारी में 2 अभ्यर्थी हैं और 1 अभ्यर्थी अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी में, 1 महिला अभ्यर्थी, बाकी ये इतने 2 PPDO। तो ये है दोस्तों यहाँ पर 12 अभ्यर्थियों का नाम। तो सभी चयनित अभ्यर्थियों को जिसका जहाँ भी हुआ है, जो भी मिला है, सब बढ़िया है। तो ये थी दोस्तों इसकी जानकारी जो तो है यहाँ पर स्नातक स्तरीय भर्ती को लेकर। एक और दोस्तों संवाद जो है आयोग ने जारी किया है, ये है दोस्तों जो विज्ञापन जारी हुआ था यहाँ पर, देखिए उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के विज्ञापन संख्या इतना इतना दिनांक 25 सितंबर 2024 के अंतर्गत विभिन्न विभागों के तकनीकी संवर्ग तथा विज्ञापन संख्या इतना इतना 16 फरवरी 2024 के अंतर्गत प्रशिक्षण एवं सेवा आयोजन निदेशालय उत्तराखंड के अंतर्गत राज्य की औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में ITI जो कॉलेज है यहाँ लिखित प्रतियोगी परीक्षा 20 नवंबर से 14 दिसंबर तक निम्न कार्यक्रम अनुसार आयोजित की जानी निर्धारित हुई है। तो यहाँ पर ये दोस्तों निर्धारित हो गई है। तो ये देखिए दोस्तों, ये 20 नवंबर से है 14 दिसंबर तक। तो जिन भी अभ्यर्थियों ने आवेदन किया हुआ है, अनुदेशक कारपेंटर के लिए परीक्षा देखिए कब होगी, वेद कला प्रशिक्षक की 20 नवंबर को, अनुदेशक कंप्यूटर ऑपरेटिंग प्रोग्रामिंग असिस्टेंट 21 नवंबर को, अनुदेशक ड्राफ्टमैन मैकेनिक की 23 तारीख को, अनुदेशक विद्युतकार टेक्नीशियन Grade 2 विद्युत मेंटेनेंस सहायक इलेक्ट्रीशियन 24 तारीख को होने वाली है प्रथम पाली, द्वितीय पाली में इनका होगा ये, अनुदेशक ड्रेस मेकिंग और अनुदेशक इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक इंस्ट्रूमेंट रिपेयर। बाकी 25 तारीख को अनुदेशक फैशन डिजाइन एंड टेक्नोलॉजी इनका होगा, 26 नवंबर को इनका होगा, देखिए यहाँ पर 27 को भी है, 28 को भी, 29, 30, 1, 2, 3 तारीख को भी है, 10 को भी है, 3 के बाद उसको सीधे 10 को हो रहा है, देखिए गणित के बाद सीधे 3 तारीख को है, 3 दिसंबर के बाद, फिर उसके बाद सीधे 10 को है, 10, 11, 12, 13, 14। तो जिनका भी जब जब है दोस्तों, ये आयोग ने यहाँ पर एग्जाम कैलेंडर जो है जारी कर दिया है। तो ये थी आज की जानकारी, मिलते हैं बहुत जल्दी एक नई वीडियो में। बाकी दोस्तों जो ये दो यहाँ पर एक संवाद और एक जो विज्ञप्ति निकली हुई है, इसे मैं तुरंत शेयर कर रहा हूँ टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम पर आपको सर्च करना है शिखर स्टडी पॉइंट, करीब वहाँ पर 27,000 अभ्यर्थी जुड़े हुए हैं। तो ये जिन जिन अभ्यर्थियों ने इसके लिए आवेदन किया हुआ है, वैसे इसमें सभी अभ्यर्थी तो नहीं भरेंगे क्योंकि ITI वाले अभ्यर्थियों के लिए ही है। तो ये देखिए, ये तो जिसका भी जब जब है तो आप लोग लग जाइए, एग्जाम परीक्षा दी थी यहाँ पर निर्धारित, और पाली जिस भी पाली में है, फर्स्ट पाली सेकंड पाली, तो उसी अनुसार आपको इसमें जाना है। तो ये थी आज की जानकारी, मिलते हैं बहुत जल्दी एक नई वीडियो में।